Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I am Gunjan Malhotra, an overseas education consultant, a career counselor, and I also train students for different types of examinations. इस वीडियो में हम लोग सिंगापुर में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे. अलग अलग लेवल्स पे किस टाइप के इंस्टीट्यूट्स होते हैं और किस टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको सिंगापुर में प्रेजेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा. टोटली सिंगापुर में 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट से फंडेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं वो हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, देन नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, थर्ड इज़ सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी एंड फोर्थ इज़ सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन. अब ऐसा होता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इतनी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं कि इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहता है एंड एप्लीकेशंस पर ईयर भी बहुत ज़्यादा रहती हैं एंड स्टूडेंट्स जिनका कैलिबर बहुत ज़्यादा हाई रहता है वो भी इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाते हैं. कमिंग टू पॉलीटेक्निक्स, अगर हम लोग पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सिंगापुर में टोटली 5 पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं. पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, मेजरली ये प्रैक्टिकल कोर्सेज के लिए हैं, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए हैं जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और इंडस्ट्रियल टाइप के साथ होते हैं. जनरली इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं या लेट्स से वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, इस तरह के कोर्सेज ये पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. अब मैं आपको तीसरी कैटेगरी के बारे में बताऊँगा जो कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सिंगापुर में टोटली 300 से ज़्यादा private institutions and organizations available हैं. Good thing about these institutions and organizations is कि ये पढ़ाई तो students को सिंगापुर में कराते हैं but इनका जो tie-ups होता है ये USA, UK, Australia की बहुत ही recognized और renowned universities से होता है. इसका ये मतलब होता है कि student अपनी पढ़ाई कम खर्चे में सिंगापुर में करेंगे and by the time they finish their course उनको जो degree मिलती है वो US की universities, UK की universities और Australian universities की होती है. टॉकिंग अबाउट इनटेक्स, किस किस पर्टिकुलर मंथ में स्टूडेंट्स सिंगापुर में एडमिशन ले सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो साल में 3 बार इनटेक्स रखती हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो साल में 4 बार एडमिशन लेते हैं. देर आर मैनी कॉलेजेस जो रोलिंग बेसिस पे थ्रू आउट द ईयर एडमिशंस लेते हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि आपका किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का इनटेक मिस हो गया है तो यू कैन लुक फॉर अदर सब्सटीट्यूशनल ऑप्शंस इन सिंगापुर, जिसमें आप अभी या आने वाले महीने में या अगले के अगले महीने में आप एडमिशन लेके अपनी एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं. तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें. इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है या अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे को किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. यू कैन आइदर कॉल अस या आप हमारे को ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं. वी विल मेक श्योर दैट वी विल गेट बैक टू यू. मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग.